2024 का अंतरिम बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है, जो कि सिर्फ चुनाव वर्ष में ही किया जाता है। संविधान के मुताबिक बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और यही कारण है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से केंद्रीय वित्त मंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो कि राष्ट्रपति के स्थान पर संसद में बजट पेश करते हैं। भारत की तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में संयुक्त सत्र में अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में मध्यवर्गीय परिवारों के लिए आवास घरों में सोलर पैनल लगाए जाने की सौगात दी गई है। हालांकि टैक्स रेट या फिर कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इस बजट में लक्षद्वीप का विशेष उल्लेख किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पेश किया है, जिसमें देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसा कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की है। सरकार ने टैक्स लेवल में भी कोई बदलाव नहीं किया है। बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल कुछ महीने बाद भारत में आम चुनाव हैं और ऐसे में आमतौर पर अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं। लोक लुभावन वादे नहीं किए जाते हैं, लेकिन सरकार अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि निगम कर को घटकर 22% कर दिया गया है। सरकार ने इस बजट के दौरान कुछ घोषणाएं की हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और मकान का निर्माण किया जाएगा और साथ ही मध्यम वर्ग के पात्र व्यक्तियों को स्वयं के मकान खरीदने अथवा बनाने की मदद करने की योजना लाई जाएगी। दूसरा, 1 करोड़ परिवारों के घरों पर सौर प्रणाली लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तीसरा, योग्य डॉक्टर हेतु ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। चौथा, सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। पांचवा, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखरेख में भी सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल किया जाएगा। आंगनवाड़ी और पोषण की योजनाओं में प्रचार प्रसार में तीव्रता तथा मिशन इंद्रधनुष को लेकर संपूर्ण भारत में समावेशी काम किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।